हमारे जीजू शानी तख्त बनते बनते वजीर आला ही रह जाएंगे। मरी हुई बहन के पास पहुंचने का। तुम यही चाहती हो तो यही सही, तुम्हें छोड़ देते हैं। हमारा दिल बहुत बड़ा होती, हम भिखारी को सिक्का देती। तुम हो कौन जिसने हमसे इस अंदाज में बात करने की जुर्रत की? तुम कैसा चिलगोजा होती, तुम जुम्मन को नहीं जानती। इनसे मिलिए, ये है तरन्नुम जिन्होंने ये दावत रखी है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम शहजादी आसमी। ये शहजादी है और मैं उमराव जान। अच्छा है, अच्छा है, आपका अंदाज अच्छा है। जी जी शुक्रिया। शहजादी क्या कर रही है आप? गलती से मुंह से निकल गया पिटी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहाँ पे हमें कोई नहीं पहचानेगा। देखो यहाँ पे सब मुझे पहचानते हैं, कोई गड़बड़ मत करना। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी, क्या माहौल है, क्या दावत है। इससे पहले कि तुम गुब्बारा बनकर उड़ो, मेरी बात ध्यान सुनो। हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाले, ठीक है? हम मेरे साथ रहना, समझ गए? मेरे गुल्लू रसगुल्ले, तो तू यहाँ है। वाह गुलबदन, तेरा हुस्न, तेरे बाल, तेरे गाल, तू लड़का नहीं कयामत है, कयामत। गुलबदन जी कहीं कैसे हो गुलबदन? मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। चुड़ैल तुझे खा जाए, शरबत गिरा दिया मेरे ऊपर। अरे शरबत का समुद्र राजकों में तल लिए, मुझे भी मत छोड़ के जाना। गुलबदन कुल्लू के बच्चे, तूने मुझे सच्चाई की बूटी पिलाई थी ना, अब देखना
मैं इस भरी महफिल में तुझे नचा नचा के तेरा हुस्न उजाड़ दूंगा। आते बाते तहीं चटाके जादू वाले चले पटाके, लड़कों के गाल पे लड़की के तमाचे, पूरी पूरी रात मेरा गुल्लू नाचे। जनाब लड्डू खाइए। गुलबदन पे तो जादू हुआ ही नहीं। अरे यहाँ मेरी जान निकल रही है, तू लड्डू खिला रहा है, दफा हो जाया से। ओफो, एक मर्तबा फिर से कोशिश करता हूँ। प्रीति मेरे साथ रहो। गुलबदन लगता है प्रीति को कोई खास मिल गया है। दफा हो जाओ। मेरे बर्फी के टुकड़े, मेरा जादू एक बार बेकार क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं तुझे आज नचा के रहूंगा। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, अब चुप चुप यहाँ बैठ जाओ। और बेटी की तुम ये कहाँ गायब हो गया? देख के नहीं चल सकते, देख के नहीं चल सकते। नकलची चोरनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमको भिखारी का। ए चिलगोजा, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती। ए चिलगोजो, जरा इसे हमसे तू पे लेके आओ। इतनी सी बात को तुम इतने आगे कहाँ ले जाती? तुम हमको मार देती, तुम्हारे चाहने वाले भी मर जाते। ये मस्ता यही खत्म करो। वही तो हम कर रहे हैं। शाहनवाज का हम शक्ल, बादशाह शाहनवाज। खबरदार, ये मेरे करीबी का घर है, अगर तुमने यहाँ चोरी की तो। अच्छा, तुम्हारे करीबी को पता है कि काली चोर ने यहाँ तशरीफ लाई है? जाने दो, जाने दो, थोड़ी हवा आने दो, लड़ाई झगड़ा बंद करो, थोड़ी मोहब्बत आने दो। जी जिनू, आप प्यारी परेशानी जी, आपने मुझे याद रखा, मुझे अच्छा लगा। अरे आप है ही इतने प्यारे, वरना कुछ लोगों को तो भूल ही जाना बेहतर होता है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मेरी शख्सियत इनसे ज्यादा अच्छी है? अरे हाँ, कहने की क्या बात है इसमें, आप तो शक्ल से ही निहायत ही शरीफ और खुश मिजाज लगते हैं। शुक्रिया। वरना कुछ लोगों की तो शक्ल पे ही चोर लिखा है। चलो हमें घर चलना। अब मगर अरे शेख जीनू, आपकी इजाजत के बिना कोई आपको घर कैसे लेके जा सकता है? हा? क्या बताएं प्यारी परेशानी जी, ये तो रोज की बात है, आप क्यों ना इन्हें थोड़ा और डांट दें। हाँ जिनू, मैंने कहा ना इसी वक्त घर चलो, चलो। अरे ये तुम्हारे गुलाम थोड़ी ना है, काट के उल्लू। ये मेरे जो कुछ भी हो उसे तुमसे क्या? हाँ? ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं, क्या जोड़ी है, लेकिन एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे का खून भी जाएंगे। तो वो छिपकली, चुनने हमें छिपकली को। हाँ कहूँगा, मैं एक नहीं हजार बार कहूँगा तुम्हें छिपकली। अरे बस बस बस, रुक जाइए रुक जाइए, किसी दूसरे के घर आके कोई ऐसे लड़ता है भला? देखिए दावत में आए हैं, कुछ मीठा खाइए, मीठा मीठा बोलिए, गुस्सा थूक दीजिए। भाईजान भाईजान, ये लो लड्डू खाओ। हमें नहीं खाना। हाँ? अरे मेरी खातिर खा लीजिए, ये लीजिए। हाँ
ये हुई ना बात। गुल्लू तो अपना नाश्ता हुआ नहीं दिखा, लेकिन लड्डू खाते ही आका और प्यारी परेशानी से क्यों नाचने लगे? लड़कों के गाल पे लड़की के तमाचे, पूरी पूरी रात मेरा गुल्लू नाचे। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। लगता है जादू फिर से उल्टा पड़ गया। जादू कुल्लू की बजाय लड्डू पे चल गया। और लड्डू तो इन दोनों ने खा लिया। अब क्या होगा? प्यारी परेशानी जी और अकालादीन नाम तो सुना होगा, रुकेंगे नहीं, नाचते रहेंगे। अच्छा, हम अदाकार होती, तेरा लानती चेहरा, ये इनाम हम अपने नाटक तेरा लानती चेहरा के लिए जीती। तुम जानते हो हम कौन है? बगदाद का गधा, हमारा मशहूर नाटक होती। हम कभी बगदाद नहीं गई, लेकिन हमने बगदाद के लिए नाटक किया। उस नाटक की एक एक बात हमको याद है। हमारी मासूका हमारे गधे के साथ भाग गई, हमारा दिल आज भी उसके लिए ढैचू ढैचू करती। हमारा बगदाद में कोई अपना? बगदाद तो क्या, हमारा तो पूरे जहां में कोई नहीं रहता। हम एक बार भी बगदाद नहीं गए। तुम्हारी आंख? हमारी एक आंख पत्थर की होती। तुम्हारा कोई जुड़वा भाई? जम्मन जैसे चुलगेट का कोई दूसरा भाई हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम इतने सवाल पूछती, जम्मन जैसे सितारे का क्या फायदा उठाती? तुम्हारे सितारे तो हम चमकाएंगे। हम कुछ समझी नहीं। बगदाद में तुम्हें हमारे लिए एक नाटक करना होगा। नाटक का नाम क्या होती है? नकली बादशाह। नकली बादशाह। हम एक नाटक का 10,000 रुपया लेती। खंजर क्यों निकालती? दस के बजाय अगर 10,000 अशरफियां मिल जाएं तो। 10,000? लेकिन अब तो बता दो कि आखिर तुम कौन होती? नचीले लड्डू खाकर सिर्फ नाचना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। गाना बंद तो नाचना बंद। आते पाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके, आलू सस्ते में आएगा, गाना बंद हो जाएगा। जादू फिर से उल्टा पड़ गया।
वल्ला वल्ला हबीबी छा गई गरीबी। मेरी तरह बन नहीं सकती तो काला जादू शुरू कर दिया। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुमने किया है, तभी तो मेरी नजर धुंधला रही है और मेरे पांव रुक नहीं रहे। वल्ला वल्ला हबीबी छा गई गरीबी। अब लड़ना बंद किया तो नाचते ही जा रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो ये लोग तो बेहोश हो जाएंगे। आवाज़ बंद कर देता हूँ। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, गाने बजाने वाले जाए घर, नहीं तो इनकी आवाज हो जाए बंद। ये क्या आवाज बंद करने को कहा था, यहाँ तो माहौल ही बदल गया। तकले चमन जनाब, मुच्छड़ की कामयाबी ही हमारी कामयाबी है। हमें उनकी हार को किसी भी तरह से जीत में तब्दील करना है। बादशाह सलामत की मौत मुच्छड़ के कदमों में रखनी है। हमारे खिलाफ बगावत करने वाले को मौत की सजा दी जाती है। इलाही आप बुआ भी हुजूर, लेकिन हुजूर आप गलत समझ रहे हैं। तुम हमें बेवकूफ समझते हो? आज बगदाद की सारी आवाम देखेगी कि हमारी सल्तनत में गद्दारों का क्या हाल होता है। तुम दोनों को सजाए मौत दी जाती है। रहम हुजूर ऐसा मत कीजिए। हुजूर रहम, हुजूर रहम कीजिए। रुकिए बादशाह सलामत। अपने किए गए फैसले के ऊपर जरा गौर फरमाएं आप। जहां पना, मैंने कुछ नहीं कहा। खामोश, हम कुछ नहीं सुनेंगे। तुम दोनों को सजा होगी। आपका हुक्म सर आंखों पर बादशाह सलामत, लेकिन आपका सर यहां हमारे कदमों में होना चाहिए। जफर, अपनी हद में रहो। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो। सर टिकाने से पहले हम तुम्हारी जूती साफ करती। चिल्को जा, चिल्को जा। ये कैसे हो सकता है? हमारी सल्तनत में कुछ भी हो सकती है।
आ गया ना धोखा, अब इसी तरह इस हमशकल बादशाह को देखकर बगदाद की आवाम भी धोखा खाएगी। हमशकल? हम इस हमशकल बादशाह चुम्मन मियां को बगदाद के तख्त पर बिठाएंगे। बगदाद की हुकूमत पर फिर हमारा हुक्म चलेगा। बगदाद की शहजादी यास्मीन को हम अपनी बेगम बनाएंगे और उस काले चोर को पकड़ के जादुई चिराग को हासिल कर लेंगे। फिर क्या, ये बादशाह भी हमें रोक नहीं पाएगा।